ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। सर इतने सारे मुलाजम इकट्ठे हुए हैं जिन्हों का एको एक मुद्दा है कि 6ਵਾਂ पे कमीशन लागू किया जाए। कोऑपरेटिव बैंकों के 12 ज़िले 6ਵਾਂ पे कमीशन लग चुका है जबकि 8 ज़िले इस तो वांझे रखे गए हैं। जिसकी जिम्मेवारी या जो भी इस हकदार है जिसने सानू 6ਵਾਂ पे कमीशन नहीं दिता उसका जिम्मा सिर से सिर्फ रजिस्ट्रार सहकारी सभावां नूं जांदा है जो साढ़े ते गलत कानून करते हैं। क्योंकि मुद्दा यह है कि सानू एक विधि हालातों के करके सानू वांझा रखा जा रहा है। देखो जी ये साड़ी जिहड़ी हैगी आ मुद्दा ये चलता पाया साल हो गया जी इस मुद्दे नूं, ठीक है। बड़ी वारी टेबल टॉक हो गई, मीटिंग्स हो गई ने साडे MD साहब चंडीगढ़ नाल भी, ठीक है जी। वह कहिंदे जी तुहानूं जल्दी तो जल्दी मिल जाएगा। पंजाब सरकार नाल भी गलबात हुई है, असीं चीमा साहब जी नूं भी मिले सीगे पर सानू किसी ने कुछ नहीं दिता। घट्टो घट पिछले नवंबर से आपां नूं पता ही है पंजाब सरकार दे विच 6ਵਾਂ पे कमीशन मिल चुका है पर साडी मंग उदों तो ही लागू हो गई सी कि सानू ये 6ਵਾਂ पे कमीशन दिता जाए। जबकि 7 जनवरी एक चिट्ठी निकल के आ गई थी जिस विच पंजाब दे 8 जिला कोऑपरेटिव बैंकों वांझा रखा गया सी, जिस विच अपने मानसा जिला आ जांदा, फरीदकोट जिला, फिरोजपुर, फाजिलका, अपना तरन तारण, गुरदासपुर और अमृतसर। मतलब साढ़े कहने का मतलब है जो भी ये जिले इफेक्टेड ने वो सिर्फ तो सिर्फ सरहदी जिले ने जी, कोई भी दूसरा जिला नहीं तुसी देखोगे इन्दे विच। क्योंकि अपने सरहदी जिले की कुछ अलग तो प्रॉब्लम्स होंदियां ने जिस करके अपने कोई वित्तीय हालात कुछ ठीक नहीं होंगे। अज तो 2 साल पहला 2 बजट चले ने 20 तो 21, 21 तो 22, 226 करोड़ रुपया बजट के रखा गया सी पर पंजाब सरकार ने बजट के होने के बावजूद भी सानू कोई भी एड नहीं दिती। साडे खुद फिरोजपुर कोऑपरेटिव बैंक नूं 36 करोड़ रुपए की एड आनी सी जिस नाल साडा जिहड़े वित्तीय हालात सुधर सकते सी। क्योंकि जो भी साडी सरकारी बैंक है जो भी पॉलिसी चलती है वह सिर्फ सरकार दीयां पॉलिसियां नाल ही साडी लॉनिंग चलती है, कोई साडा आपदा अधिकार नहीं हैगा आपदी पॉलिसी बना लीए। साडियां पॉलिसियां ही इन्नियां गलत हो गईयां ने कि सानू इस मुसीबत विच पैना पै गया। जो साडे अज सारे मुलाजम 6ਵਾਂ पे कमीशन तो वांझे है, महंगाई तुसीं देखी है किन्नी वध गई है। आ पिछे जे 6% DA अनाउंस किया जी भगवंत मान जी ने तो तुसीं देखिया जी सानू पिछला ही नहीं मिलिया कुछ, अजे ये 6% सानू कित्थे मिलता। उन्होंने तो आदे वालों दिवाली का तोहफा देता पर साडे लिए तो सारी काली दिवाली ही रह गई ना। सर मुलाजमान जो पूरा रोस है इसका पूरा तो पूरा सिट्टा रजिस्ट्रार सहकारी सभावां पंजाब नूं जांदा जी, अते पंजाब सरकार भी इसदे जिम्मेवार है जिन्हां नूं बार बार मिलन दे बावजूद भी साडी गल नूं अणगोलिया गया। जदों असीं धरना दिता हुण इन्हां दीआं थोड़ियां जिहीआं अखां जागियां ने। साडा जिहड़ा धरना लगातार अणमिथे समें लई चल रही है 2 तरीक तो चल रही, 2 नवंबर तो, ठीक है जी। अज उहदा 3जा दिन है तो साडी प्रशासन नूं रजिस्ट्रार दफ्तर सब नूं इह हदायत है कि जिन्नी देर सानूं चिट्ठी हाँ जी सर किस वजह लाए? हाँ जी, जो पंजाब सरकार वालों 6ਵਾਂ पे कमीशन जिहड़ा लागू किया गया सीगा उस दे संबंध में जिहड़ियां पंजाब दीआं कोऑपरेटिव बैंकां उन्हां 12 बैंकां नूं जिहड़ा ये मिल चुका सीगा, परंतु जिहड़ियां 8 बैंक हैं, ठीक है, उन्हां नूं इस 6ਵੇਂ पे कमीशन तों वांझा रखा गया। पंजाब सरकार दे जिहड़े दफ्तर है ज रजिस्टर है सहकारी सभावां जिन्हां कोले असीं बेनती लै के जानी है, ठीक है, उन्हां नाल ही साडियां बैंकां जुड़ियां हुई हैं। जदों उन्हां दे मुलाजमान नूं मिल गया रजिस्टर सहकारी सभावां दे मुलाजमान नूं ये 6ਵਾਂ पे कमीशन मिल गया कि असीं भी उन्हां दे विच ही हैं तो सानूं क्यों उन्हें तो वांझे रखा होया। ये जिम्मेवारी निरो निर जिहड़ा दो वितकरा जिहड़ा सरकार आ साडे नाल कर रही है। एक तुसीं ये देखो मुलाजम भर्ती होए 1 तरीक दे, एक जिले दे विच तां तनखाह उहनूं वध मिली जांदी है, एक जिले के तनखा जी घट मिली जाती उस मुलाजम जी एको कैटागरी एको डेट के भर्ती हुए। ये वितकरा सरकार दड़िया माड़िया नीतियां या रजिस्टर सहकारी सभावान दड़िया माड़िया नीतियां वो करके सानू भुगतना पै रहा। दूजा खमियाजा हम भुगतन गए जे साडे जड़े सहकारी सभावान के नाल जुड़ के किसान साडिया बैंकों जुड़े हुए जिन्होंने बेचारे खाद की प्रॉब्लम आऊगी क्योंकि साडा जो सीधा संबंध है पिंडा बैंकों खुलिया हुई पिंडा के साडा सीधा संबंध किसानों तो किसानों के जोड़े 90% खाते है जोड़े सरकारी बैंकों के खुले हुए जिन्हों का लैन देन करते हैं खाद का जोड़ा लैन देन करते हैं सोसायटियों तो करते हैं तो सोसायटियां जड़िया साडिया बैंकों जुड़िया जो साडिया बैंक
बंद है तो उन्होंने खाद भी नहीं मिलनी क्योंकि उस तो बिजाई का समय तो जे धरने लगनगे किसान यूनियन के धरने लगनगे बैंकर बाहर लगनगे धरने भी बैंक नहीं खुल रही उन्हों का सीधा साधा खमियाजा सरकार को भुगतना पैना सरकार इसकी जिम्मेवार होगी रजिस्टर सरकारी सभावान चंडीगढ़ यदा जिम्मेवार होगा जे कोई भी किसी भी किस्म की जी किसान बैंक के योजी घटना हो गई किसान जथेबंदियां गौ बहुत ही गर्म सुभा दी थानू पता ही है कि पिछले एक साल जिते उन्होंने दिल्ली के धरना लाया से उ जथेबंदियां पिंडा के बनिया हुई तो यह आने वाला समा जोड़ा बहुत ही नाजुक होगा जे सरकार ने साडिया मंगा ना बनिया तो असं ताड़ना करते हैं कि जी सा हड़ताल है यह खत्म नहीं होनी साडिया मंगा जल्दी तो जल्दी मंगिया जाए। की नाम है कमलजीत सिंह है जी।